छोटे से मेहमान से लेके और बड़े बड़े जितने लोग हैं, आप सब लोगों की योग्यताओं को मैं यशदेव सिंह प्रणाम करता हूं और मैं आज के अपने सेशन की शुरुआत करता हूं कि आप यहां से क्या लेके जाएंगे ये मेरे बोलने पर नहीं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। एक ही क्लास होती है, एक ही बोर्ड होता है, एक ही टीचर होता है, एक ही बैच होता है। उसी बैच में से कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन आते हैं, कुछ सेकंड डिवीजन, कुछ थर्ड डिवीजन, कुछ फेल, और कुछ उसी में से टॉपर बन जाते हैं। क्या पढ़ाने वाले की कोई गलती? अगर गलती होती तो टॉपर कैसे बनते हैं? और उसी बैच में अगर कोई फेल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति जो है ना, वो काम नहीं कर रही। आप लोगों ने महाभारत सुनी होगी। महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर था जिसका नाम था धृतराष्ट्र, जो आंखों पे पट्टी बांधता था। उसका एक प्रिय पुत्र था, कौन? स्पीक लाउडली। दुर्योधन। वेरी गुड, आपकी जीके बहुत अच्छी है। धृतराष्ट्र चाहता था कि मैं अपने पुत्र दुर्योधन को एक बहुत अच्छा तीरंदाज बनाऊं, और उसके लिए उसने एक गुरु को अपॉइंट किया जिसका नाम था, इतनी सी आवाज से तो मैं ही मोटिवेट नहीं होऊंगा, मैं आपको कैसे कर पाऊंगा? स्पीक लाउडली। इफ यू आर कंफर्म देन स्पीक लाउडली। द्रोणाचार्य। वेरी गुड। अब द्रोणाचार्य के गुरुकुल के अंदर दुर्योधन को भेजा गया कि आप जाओ और वहां पे धनुर्विद्या सीखो। तो चूंकि दुर्योधन बहुत चतुर और चपल था, उसने कहा मैं अकेला क्यों जाऊं, अकेला तो बोर हो जाऊंगा वहां पे। तो उसने कहा बाकी ये मेरे जो भाई हैं, इनको यहां पे काय को बिठा रखा है, इनको भी लाओ। तो जितने के जितनी पूरी टोली थी, 100 इधर की और 5 इधर के, 105 को यूं का यूं ट्रांसफर किया गया। कहां पे? उनके आश्रम में। और आश्रम में भेजने के बाद में वहां पे सबकी धनुर्विद्या शुरू हुई। इतिहास गवाह है कि दुर्योधन बहुत अच्छा धनुर्धर बन पाया क्या? बना कौन? वाय गॉट इट। समान परिस्थितियां, समान सा माहौल, एक ही गुरु, लेकिन उसी के अंदर जिसके लिए वो कार्य किया गया था उसके लिए वो संपादित नहीं हुआ वो कार्य, और कार्य किसके लिए संपादित हो गया? उस अर्जुन के लिए, क्योंकि उसको वो मछली की आंख नजर आती थी। बस आपकी लाइफ का फोकस क्या है, आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं भी कि नहीं जाना चाहते हैं, पहले यह तो डिसाइड हो जाए आज। अभी इतने सारे स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हैं, अगर मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा ना, तो कई सारे लोग तो यहां पे, कई सारे स्टूडेंट्स यहां पे ऐसे बैठे हैं जिनके फ्यूचर में उनको क्या करना है ही डजंट नो। जितने भी बड़े लोग हैं ना, बड़े मतलब मैं किनको बोलता हूं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, आज देख लीजिए जितने भी बिजनेस आइकॉन टाइकॉन्स हैं, टाटा, अंबानी, बिरलास, डालमियाज, ये अगले 10 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। अगले 10 साल, यानी आज वो प्लानिंग उनकी हो रही है कि अगले 10 साल बाद हमें क्या देना है। एक कॉमन पीपल की प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉमन पीपल को यह नहीं मालूम है कि अगले 10 दिन बाद हमें क्या करना है। और 10 दिन तो छोड़ो, अगले 10 मिनट बाद मुझे कहां जाना है मुझे यह भी पता नहीं है। तो हाउ वी कैन सक्सेस, हाउ? आप जितने स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हैं, मैं आपसे एक एक करके बात करूं ना, तो आपके ड्रीम्स आप बता नहीं पाओगे। हां, किसी ने कह दिया कि बेटा तू बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, तू बड़ा होके पायलट बनेगा, तू बस, हमने भी ये मान लिया कि मैं बड़ा होके ऐसा बनूंगा। एग्जैक्टली मैं बनूंगा क्या, मेरा गोल क्या है? 90% स्टूडेंट्स का गोल क्लियर नहीं होता है। वाई क्लियर नहीं होता है। What is why? मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा। मैंने यहां पे मीटिंग के लिए आना था, ऑलरेडी डिसाइडेड था कि आज संडे सुबह 9 बजे मुझे यहां पे सेशन करना है। संडे सुबह 8:30 बजे मैं घर पे तैयार हुआ। तैयार होने के बाद में 9:45 बजे मैंने गाड़ी का सेल्फ मारा। सेल्फ मारने के बाद मैं घर से निकला, घर से निकल के और सीधा मैं टाइटेनियम के नीचे आया। मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी और ऊपर आया। मेरा वाई क्लियर था कि मुझे यहां सेशन लेना है, तो मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं हुई। आज ये वाय क्लियर करना पड़ेगा।
हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, करना क्या चाहते हैं। और जिसका ये वाई क्लियर हो जाता है ना, वही सक्सेस ट्रैक के ऊपर मूव करता है, मूव करता है। सक्सेस मिलना तो बहुत बात की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट मूविंग ओनली।